हम लोगों ने अभी तक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हम लोग सिस्टम को कंप्रेस करेंगे। तो देखो, जो फॉर्मूला होता है, चाहे वो एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं कि क्या था फॉर्मूला, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके पास प्रोसेस है आइसोथर्मल, और अगर प्रोसेस है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब है वेरी स्लो प्रोसेस विच टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में होता है तो वर्क का फॉर्मूला है -2.303 nRT log V2 by V1। ये फॉर्मूला एक्सपेंशन के लिए भी है, कंप्रेशन के लिए, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं। आप चाहो तो इसको प्रेशर के टर्म में कर दो, दिस इज 2.303 nRT log P2 by P1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है वर्क। अगर आप इसकी जगह इरिवर्सिबल लेते हो तो इरिवर्सिबल के केस में अगर वन स्टेप में होता है तो वर्क का फॉर्मूला है -P2 V2 - V1। ठीक है, ऐसा होगा। और बाकी दो स्टेप में करेंगे तो इसको दो बार ऐड करना पड़ता है, वो आपको पता है। तो फॉर्मूले में देखो कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब समझते हैं कि क्या डिफरेंस क्या हो सकता है अगर एक्सपेंशन और कंप्रेशन करते हैं तो क्या डिफरेंस हो सकता है। तो हम लोग एक सिस्टम अज्यूम करते हैं, ये एक सिस्टम है। अब देखो कंप्रेस करना है तो ऐसा करते हैं कि एक मास लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको इसके ऊपर प्लेस करते हैं। जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस करोगे तो भाई मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, तो कंप्रेस होगा। तो देखो इसको मैं ग्राफ से समझाता हूं, मैं इसको वन स्टेप में कर रहा हूं तो इसको ग्राफ से समझते हैं। तो देखो ये आपके पास है पी वर्सेस वी का कर्व। तो एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूम बढ़ता है, कंप्रेसर कंप्रेस कर रहे हम लोग, अब क्या करें, कंप्रेस कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के केस में वॉल्यूम कम होगा। तो देखो पहले आपके पास क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है और प्रेशर कम है। जैसे ही आपने ब्लॉक को प्लेस किया तो ब्लॉक को प्लेस करते ही क्या होगा, पहले प्रेशर बढ़ेगा और फिर कंप्रेस होना स्टार्ट होगा। तो देखो क्या होगा, जैसे ही आपने ब्लॉक को प्लेस किया तो पहले प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर गया और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, प्रेशर हो गया P1 से P2। और उसके बाद ही कंप्रेस होना स्टार्ट होगा और ये यहां पे जाएगा तो वॉल्यूम हो गया है V2 और प्रेशर हो गया P2। तो एरिया अंडर द कर्व, ये आपको पता होगा, एरिया अंडर द कर्व, यही आपके पास होता वर्क डन, ये वर्क डन है। तो आप गौर करो, देखो एक्सपेंशन में क्या हुआ था, ये यहां से स्टार्ट हो रहा था, यहां खत्म हो रहा था क्योंकि एक्सपेंड कर रहे थे, वॉल्यूम बढ़ रहा था। कंप्रेशन में क्या हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है। तो देखो यहां पे एक्सपेंशन में क्या हो रहा था, आपने पहले क्या किया, प्रेशर को कम किया और फिर आपने एक्सपेंड किया, तो आप एरिया कुछ ऐसा आ रहा था। और यहां पे पहले क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा और फिर कंप्रेस, तो देखो इसका एरिया ज्यादा आ रहा है। तो इस बार क्या होगा, एरिया ज्यादा आ रहा है। अगर आप इसको दो स्टेप में करो तो हम लोग इसको टू स्टेप में करके देखते हैं, फॉर्मूला देखो सेम है, इसको टू स्टेप में समझते हैं कि क्या होता है। एक बात का ध्यान रखना है, टू स्टेप का मतलब यह होता है कि जैसे 1 kg का ब्लॉक है तो अब आप 1 kg की जगह हाफ ऑफ kg के दो ब्लॉक लोगे। कभी भी कंपेरिजन करना है तो टोटल मास सेम होना चाहिए, तो हम लोग नंबर ऑफ स्टेप इसमें बढ़ा रहे हैं। तो अब आपके पास मान लेते हैं आपके हाफ ऑफ kg के दो ब्लॉक है, पी वर्सेस वी का कर्व है। आपने जैसे ही पहले ब्लॉक को रखा, प्रेशर बढ़ेगा फिर कंप्रेस होगा, तो मतलब क्या होगा, तो पहले आपके पास है वॉल्यूम V1 और प्रेशर है P1। जैसे आपने ब्लॉक को प्लेस किया तो प्रेशर बढ़ गया और वॉल्यूम में चेंज नहीं, फिर कंप्रेस होगा। तो यहां तक आया, फिर आप जैसे सेकेंड ब्लॉक को रखोगे फिर से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो फिर से भाई जैसे सेकेंड ब्लॉक को प्लेस किया तो देखो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया
और यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास होगा V2 और प्रेशर है P2। तो वॉल्यूम V2 और प्रेशर हो गया P3। अब जब आपने सेकंड ब्लॉक को प्लेस किया तो प्रेशर बढ़ गया, उसके बाद वो कंप्रेस होगा, तो उसके बाद ये कंप्रेस होगा तो यहां तक आएगा, तो ये होगा वॉल्यूम V3 और प्रेशर P3। इसका फाइनल और इसका फाइनल ध्यान रखना सेम है, हमने सेम मास लिया है। तो देखो इस बार क्या हो रहा है, यहां से यहां गया और ऐसा था, और इस बार क्या हो रहा है कि ये ऐसे आ रहा है, मतलब पहले वाले केस में ये यहां तक आके कंप्रेस हो रहा था, इस बार ये ऐसा हुआ। तो इस बार का देखो जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो डिक्रीज कर गया। तो फॉर्मूला भले ही सेम है एक्सपेंशन और कंप्रेशन में, पर आप जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि इन केस ऑफ कंप्रेशन नंबर एस वी इंक्रीज नंबर ऑफ स्टेप अमाउंट ऑफ वर्क डन डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप को आप बढ़ाओगे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो आपका क्या होगा डिक्रीज करता जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो दोनों में फॉर्मूले सेम होते हैं पर जो रिजल्ट जो होता है वो डिफरेंट है। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, तो आपको क्या समझना है, अगर आइसोथर्मल है और एक्सपेंशन किया तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप बढ़ेगा अमाउंट ऑफ वर्क डन बढ़ेगा, और जब आप कंप्रेस करते हो तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप बढ़ेगा अमाउंट ऑफ वर्क डन कम होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, फॉर्मूला भले सेम है पर आप जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऑटोमेटिक ऐसे ही आती है। तो हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं, एक्सपेंशन के केस में नंबर ऑफ स्टेप अगर बढ़ेगा तो वर्क डन बढ़ेगा, तो ये हमेशा बढ़ेगा। तो वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब स्टेप इनफाइनाइट होंगे वेरी लार्ज होंगे तो ये कब होगा रिवर्सिबल में, और वर्क डन मिनिमम कब होगा जब प्रोसेस कैसा होगा वन स्टेप, तो ये क्या होगा वन स्टेप इरिवर्सिबल। तो वन स्टेप इरिवर्सिबल में वर्क डन होगा मिनिमम। अब अगर आप कंप्रेस की बात करो, कंप्रेशन की बात करो, देखो फॉर्मूला सेम है, मैं आपको रिपीट करो, फॉर्मूला सेम है पर न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऐसे ही आएगी। हाँ, एक्सपेंशन के केस में वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस साइन के साथ कंपेयर नहीं करना, आपको मैग्नीट्यूड देखना, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू को देखना है। तो कंप्रेशन में क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप बढ़ेगा तो वर्क डन क्या होगा कम, ठीक है। तो वर्क जो होगा मैक्स कब होगा, जब आपके पास होगा वन स्टेप इरिवर्सिबल, तो वर्क क्या होगा मैक्स, और वर्क का वैल्यू मिनिमम कब होगा जब आपके पास प्रोसेस होगा रिवर्सिबल, ठीक है। सबको यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। अब आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना, ये जो भी हमने कंपैरिजन किया है ये सारे के सारे फ्री एक्सपेंशन के लिए, मतलब कि आपने ब्लॉक को रखा, मान लो ब्लॉक को रखा तो अपने आप फ्रीली कंप्रेस हो रहा है, ब्लॉक को हटाया फ्रीली क्या और एक्सपेंड हो रहा है। अगर कोई इस मतलब सिस्टम को अगर अलग से कोई कंट्रोल करता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो अगर इस सिस्टम रुका हुआ है तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम होता है, हम ये मान के चलते हैं। पर मान लेते मैंने सिस्टम को पकड़ लिया, मान लेते मैंने इसको कंट्रोल किया है, और अंदर का प्रेशर है 10 atm और हो सकता है बाहर का प्रेशर हो 1 atm, पर मैंने क्योंकि पकड़ा हुआ तो मैंने इसको कंट्रोल किया है। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो एक्सपेंड किसके अगेंस्ट हो रहा है, 1 atm के अगेंस्ट। तो इनिशियल प्रेशर 10 atm, मान लेते मैंने इसको एक्सपेंड करके 5 atm पे ले जाकर रोक दिया, तो फाइनल प्रेशर क्या हुआ 5 atm, और बाहर का प्रेशर कितना है 1 atm। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, बाहर का प्रेशर अलग से दिया रहता है, और ऐसा कब होगा जब सिस्टम को कोई अलग से कंट्रोल करेगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं, देखो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। हम लोगों ने ये माना है अभी तक कि फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है, तो जो बाहर का प्रेशर होगा वही क्या होगा फाइनल प्रेशर, मतलब बाहर का प्रेशर जो पीक एक्सटर्नल है वही अभी तक आ रहा है P2। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि बाहर का प्रेशर कोई और कंट्रोल करे,
तो वैसे केस में आपको पी एक्सटर्नल जो होगा वो अलग से दिया रहेगा। तो अब मैं जो बता रहा हूं आपको वो ध्यान रखना है, अगर न्यूमेरिकल में पी एक्सटर्नल अलग से दिया है तो आपको वो लेकर सॉल्व करना है न्यूमेरिकल, अगर पी एक्सटर्नल नहीं दिया है न्यूमेरिकल में तो उस केस में आपको पी एक्सटर्नल क्या लेना, फाइनल प्रेशर, क्योंकि सिस्टम तभी रुकेगा जब बाहर का प्रेशर और फाइनल प्रेशर सेम होगा। समझ में आया? अगर पी एक्सटर्नल किसी न्यूमेरिकल में नहीं दिया है तो आपको हमेशा पी एक्सटर्नल को फाइनल प्रेशर ही लेना है, अगर नहीं दिया है तो, और अगर पी एक्सटर्नल दिया है तो आपको फिर वही लेना है। ये जो भी कंपैरिजन कर रहे हैं ये तब है जब सिस्टम अपने आप एक्सपेंड है, कंप्रेस कर रहा फ्रीली, आपने ब्लॉक रख दिया फ्रीली वो कंप्रेस हो रहा है। अगर सिस्टम को कोई और कंट्रोल कर रहा है, मतलब पी एक्सटर्नल आपको अलग से दिया है, तो उस केस में हम कोई भी रिजल्ट के बारे में, मतलब कोई भी रिजल्ट या कोई भी कंक्लूजन नहीं बता सकते। तो उस केस में हो सकता है इरिवर्सिबल रिवर्सिबल से ज्यादा हो या फिर कम हो, कुछ भी नहीं कह सकते। मीन्स अगर सिस्टम को कोई बाहर से कंट्रोल करता है तो उस केस में जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल की जो वैल्यू है वो रिवर्सिबल से कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो उस केस में कुछ भी नहीं कह सकते, ध्यान रखना है। तो अगर कोई और कंट्रोल करेगा तो ध्यान रखना है कि प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल होता है, उसकी वैल्यू कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा पहचानने के लिए। तो कैसे पहचान, देखो अगर लिख किया गया न्यूमेरिकल में रिवर्सिबल तो आप तुरंत पहचान जाओगे, अगर लिख किया गया इरिवर्सिबल तो पहचान जाओगे, पर जेई में क्या होता है कई बार मेंशन करके नहीं आता, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला है कि एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, अगर किसी भी क्वेश्चन में बाहर का प्रेशर कॉन्स्टेंट दिया है तो ये ध्यान रखना ये प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल होगा। अगर बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको आंख बंद करके उसको इरिवर्सिबल लेकर सॉल्व करना है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए या फिर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को पहचानने के लिए। अगर किसी प्रोसेस में ये बोला है कि बाहर का प्रेशर हमेशा अंदर का प्रेशर के इक्वल है, मतलब ऐसा होगा कि एक्सपेंशन टेक प्लेस इन सच अ वे दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, इसका मतलब एक्सपेंशन बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो प्रोसेस होगा रिवर्सिबल। तो ध्यान रखना है कि इफ पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल ऑलवेज, मतलब ऐसा एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है कि जहां पे बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर हमेशा सेम है, तो ऐसा प्रोसेस हमेशा होगा रिवर्सिबल। तो ये ध्यान रखना ये प्रोसेस आपके पास रिवर्सिबल होगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग अब एक काम करते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक आइसोथर्मल पढ़ा है इसमें एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड करना है वर्क व्हेन प्रोसेस इज रिवर्सिबल, सेकंड फिर फाइंड करना है वर्क व्हेन प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। Against constant pressure of 2 atm, तो आपको ऐसा भी आ सकता है कि 2 atm का अलग से प्रेशर दिया है, तो क्वेश्चन ये तीन टाइप के बन सकते हैं, प्रोसेस रिवर्सिबल, प्रोसेस इरिवर्सिबल, या फिर आपको अलग से भी
एक दिया जा सकता है प्रेशर। तो देखो कैसे करेंगे, पहले वाले पार्ट में तो वर्क का फॉर्मूला -2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। ये ध्यान रखना है वर्क का यूनिट जूल होता है, तो आर का वैल्यू जूल वाला लेना है। तो जूल वाला क्या होता है 8.31, जिसको 25/3 भी करते हैं, 25/3 और 300 केल्विन, और ये क्या है लॉग टू। लॉग टू का वैल्यू होता है 0.3, इसको रखकर सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर है। सेकंड वाले पार्ट बोला है कि व्हेन वर्क इज मतलब प्रोसेस कैसा है इरिवर्सिबल, तो कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप फाइनल प्रेशर को ही लोगे। कैसा, एक्सटर्नल प्रेशर, तो P2 और V2 - V1। P2 तो देखो दिया नहीं है, तो P2 की जगह क्या हो सकता है -nRT/V2। PV = nRT से वही आइडल गैस मान के चलना है, नहीं गैस मेंशन के तो आइडल गैस लेना, PV = nRT से आ जाएगा। और अब V2 - V1, तो n का वैल्यू आपके पास 2, R का वैल्यू देखो R इसमें अगर आप 8.31 लोगों तो सीधा सीधा जूल में आ जाएगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप 0.082 लोगों तो लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटर है मैं इसको 8.31 ले लेता, सीधा जूल में आ जाए 8.31, और ये होगा 300 V2 - V1, तो इसका डिफरेंस होगा 5, और V2 कितना गिवन है 10। ठीक है, ये देखो ये एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में आपको अभी बताया कि एक्सपेंशन के केस में वर्क तब ज्यादा होता है जब प्रोसेस कैसा होता है रिवर्सिबल। तो इसका वैल्यू देखना, इस वैल्यू से कंफर्म ज्यादा आएगा, मतलब वैल्यू देखना है माइनस साइन के साथ नहीं देखना है, माइनस साइन तो इंडिकेट करता है एक्सपेंशन को, इसका वैल्यू देखना 100% इससे ज्यादा आएगा। तो ये आपके दो पार्ट होगा, इसको सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो कई बार आपको क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो अलग से मतलब दिया रहता है, तो अलग से दिया था कोई बात नहीं, तो क्या होगा वर्क इक्वल टू -P2 V2 - V1, तो -2, और ये होगा 10 - 5। अब ये क्या होगा आपके पास आएगा माइनस, और ये कितना आया 10। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना, भी आंसर नहीं है, ये प्रेशर है एटीएम में और वॉल्यूम है लीटर में, तो आंसर जूल में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन मैंने बताया 101.3 ये जूल, ये इसका आंसर है। तो एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है।